जलवायु परिवर्तन को रोकने की लड़ाई में बहुत सारे पेड़ लगाने से अधिक चर्चा में आने वाले समाधान बहुत कम हैं। ये सरल लगता है, पेड़ बढ़ने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अधिक पौधे लगाने से ग्रीन हाउस गैसों के खात्मे में मदद मिलेगी। समस्या ये है कि पेड़ लगाने के प्रयास हमेशा योजना के अनुसार काम नहीं करते। उदाहरण के लिए 1974 से 2012 के बीच चिली सरकार ने 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा नए पेड़ लगाने के लिए धन मुहैया कराया। फिर भी एक हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि इस बहुमिलियन डॉलर के प्रयास से कार्बन भंडारण में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई। क्या गलत हुआ? चिली ने वन रोपण पर ध्यान केंद्रित किया। उन स्थानों पर वृक्षारोपण करना जहां लंबे समय से वन नहीं थे या जहां कभी वन थे ही नहीं, जबकि पुनर्वनरोपण में हाल ही में क्षीण हुए वनों को पुनः स्थापित करने की प्रथा अपनाई गई। कई सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन रोपण को बढ़ावा देते हैं, जिसके लिए भारी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। जर्मन सरकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा 2011 में शुरू की गई बॉन चैलेंज का उद्देश्य 2030 तक दुनिया भर में 350 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनः बहाल करना है, जिसमें आंशिक रूप से वनरोपण भी शामिल है। कई कंपनियों ने उत्सर्जन की भरपाई के लिए वृक्षारोपण का सहारा लिया है तथा कुछ मामलों में जलवायु आपातकाल में उनके योगदान से नकारात्मक पीआर भी प्राप्त किया है। 2021 के ऑक्सफैम विश्लेषण में पाया गया कि चार सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों से मेल खाने के लिए आवश्यक क्षेत्र के लिए ब्रिटेन के आकार से दोगुनी भूमि की आवश्यकता होगी। यहीं पर चीजें जटिल हो जाती हैं। दीर्घकालिक कार्बन सिंक बनने के लिए पेड़ों को परिपक्व होने और स्थिर रहने की आवश्यकता होती है। चिली के वन रोपण के लिए अधिकांश धनराशि वाणिज्यिक वानिकी उद्योग को दी गई, जिससे अधिकांशतः गैर देशी वृक्षों के वृक्षारोपण में भारी वृद्धि हुई। कुछ मामलों में तो देशी वनों को भी नष्ट कर दिया गया। एक अध्ययन के अनुसार प्राकृतिक वन वृक्षारोपण की तुलना में कार्बन भंडारण में औसतन 40 गुना बेहतर हैं। एक परिपक्व पेड़ हर साल 22 किलोग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है, लेकिन वृक्षारोपण के पेड़ों को काटा जाता है। इसके अलावा पाइन और यूकेलिप्टस, दो आम तौर पर उगाए जाने वाले वृक्ष, अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, इसलिए कार्बन भंडारण में लाभ जल्दी ही धुएं में उड़ सकता है। और सारी जमीन पर जंगल नहीं होना चाहिए। 2019 में शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि अफ्रीका में वृक्षारोपण पहल के लिए लक्षित 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से अधिकांश सवाना है। अफ्रीका के सवाना में पेड़ गिराने से धूप और खुले स्थानों में पनपने वाले वन्य जीवों को खतरा है, और जंगल की आग, गुजरते हुए हाथी का तो जिक्र ही नहीं, पेड़ों की वर्षों की वृद्धि को जल्दी ही खत्म कर सकती है। इस बीच सवाना की प्राकृतिक वनस्पति अपने अधिकांश कार्बन को सुरक्षित रूप से जमीन के नीचे छिपा लेती है, जहां ये आग और भूखे शाकाहारी जानवरों से सुरक्षित रहती है। पर पेड़ लगाने के अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं, जो प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, जैसे शुष्क भूमि या बर्फीले इलाके। यहाँ पेड़ सूर्य की अधिक किरणों को अवशोषित कर सकते हैं, जिससे ग्रह गर्म हो सकता है। यूं नहीं कि हमें अधिक पेड़ नहीं लगाने चाहिए, पर सफलता की संभावना के लिए कार्यक्रमों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कौन से पौधे लगाएं, किस भूमि पर लगाएं और भूमि की सुरक्षा कैसे की जाए। आज चिली लकड़ी के बागानों की बजाय देशी पेड़ लगाने को प्राथमिकता दे रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि ग्रह को फिर से हरा भरा करने का एक अधिक कुशल तरीका ये है कि जंगलों की रक्षा की जाए और प्रकृति को काम करने दिया जाए। हाल ही में वनों की कटाई की गई भूमि पर बीज मिट्टी में प्रतीक्षा करते हैं और पुराने स्टंप से नए अंकुर उगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पक्षी और हवाएं आसपास के जंगलों से बीज लाती हैं। अन्य लोग ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं जो प्राकृतिक पुनर्जनन में सहायता करते हैं। पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली घासों को हटाकर, चराई को रोककर और यहाँ तक कि छोटे छोटे स्थानों पर पेड़ लगाकर प्रकृति की मदद करते हैं। तो पेड़ लगाना कब बुरा है? जब कार्यक्रम गलत जगहों पर गलत पेड़ लगाते हैं। ये तब बुरा है जब इसे कार्बन उत्सर्जन और सक्रिय वनों की कटाई जैसे अधिक जटिल मुद्दों को संबोधित करने की बजाय गलती से एक सर्वव्यापी समाधान के रूप में उपयोग किया जाता है।
पेड़ लगाना बुरा है, जब ये कंपनियों और सरकारों को ग्रीन वॉशिंग करने की अनुमति देता हो, उन पहलों पर पैसा खर्च करता हो जो उनके वादे के अनुसार कार्बन ऑफसेट प्राप्त करने का कोई वास्तविक मौका नहीं है। हरित भविष्य के लिए सर्वोत्तम निवेश ये है कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जाए तथा साथ ही इन वनों को नष्ट होने से बचाया जाए। दुनिया के हर देश, कंपनी और समुदाय के लिए अपनी प्रकृति की रक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसा करने के लिए आप अभी क्या ठोस कदम उठा सकते हैं, तो ed.ted.com/earthschool पर जाएं।